इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। धार के पूर्व सांसद सूरज भानु सिंह सोलंकी का आज सुबह भोपाल में हृदयाघात से निधन हो गया। 61 वर्षीय सूरज भानु सिंह सोलंकी धार लोकसभा सीट से दो बार सांसद रहे थे। वे 1989 और 1991 के चुनाव में कांग्रेस की ओर से सांसद चुने गए थे। सूरज भानु सिंह सोलंकी प्रदेश के आदिवासी नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री शिव भानु सिंह सोलंकी के पुत्र थे और वे पायलट की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे। वे कांग्रेस में कई बड़े पदों पर रहे थे। सन 1989 में कांग्रेस ने उन्हें धार लोकसभा सीट से टिकट दिया था और सूरज भानु सिंह सोलंकी 1989 में चुनाव जीतकर सांसद बने। 1989 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उमराव सिंह को हराकर चुनाव जीता था तथा दूसरी बार 1991 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के धीरेन्द्र सिंह चौहान को हराया था। जबकि सन 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में वे छतर सिंह दरबार से चुनाव हार गए थे। सूरज भानु सिंह सोलंकी पिछले कई सालों से भोपाल में रह रहे थे और वे मूलतः गंधवानी तहसील के पानवा गांव के रहने वाले थे। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। धार के दो बार सांसद रहे सूरज भानु सिंह सोलंकी का हृदयाघात से आज भोपाल में निधन हो गया है।